हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भैया जी आज में एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट की इंस्टॉलेशन के बारे में, क्या क्या प्रोसेस रहता है। क्योंकि कई कस्टमर हमारे बाहर के होते हैं, साउथ साइड के या मुंबई महाराष्ट्र साइड के, जहाँ पे लोकल मैकेनिक उसको फिटिंग कर पाते हैं। तो हम इसका प्री वीडियो में इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताएंगे एक बाई स्टेप बाई स्टेप। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिसमें आपको पता चले कौन सा चीज़ कहाँ पर कैसे लगता है, जिससे आपको लगाने में बहुत ईजी हो। तो आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं पुलिस हेड। जो पुलिस हेड आप देख सकते हैं, पूरा ओरिजिनल होने वाला है। तो पुलिस हेड देखिए, आपका फ्रंट का स्पॉकेट हो गया बिल्कुल ओरिजिनल, उसके बाद ये रियर का हो गया आपका, और वहाँ पे अपनी गाड़ी खुलना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अपनी गाड़ी पर ले जाके एक एक से बताते हैं कैसे खुलता है। अपनी गाड़ी आपकी खुल चुकी है, जिसमें पहले आपके पैनल खुलता है, फिर नीचे का पैनल खुलता है, फिर उसके बाद पीछे का टायर खोलते हैं, फिर आगे हम पुली खोलने का आपको जुगाड़ होता है कैसे खोला जाता है। उसके लिए अभी हमारा मैकेनिक लगता है, और आपको मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ प्रोसेस टू प्रोसेस। सो देखो, लगाने स्टार्ट कर चुका है। उसको खोलने के लिए पहले यहाँ पे 10 mm का बोल्ट लगा जाता है, 10 नंबर का बड़ा वाला। उसको फुल टाइट करके इसको मोटर से लॉक कर दिया जाता है, 10 की गोटी लगा के, ये देख सकते हैं, एक हाथ से पकड़ के इसको 10 नंबर की गोटी से फुल टाइट कर दीजिए, जिससे मोटर पे ये पूरी लॉक हो जाए। उसके बाद जब हम 24 की गोटी लगाएंगे, तो 24 की गोटी से इजीली हमारा खुल जाएगा, हल्का सा हथौड़े का चोट मारते ही। तो ये अभी फुल टाइट हो रहा है, सो एक बोल्ट पूरा टाइट हो चुका है कस के, फिर उसके बाद दूसरा बोल्ट भी टाइट हो रहा है। टाइट करने का मकसद है कि जो हम इसमें चोट मार के खोलेंगे तो हमारा पुली घूमे ना। तो ये देखिए, इसमें डाला, ये देखो बिल्कुल फ्री हो रखा है। तो इसको खोल लीजिए, ये खोलने के बाद हम साइड में फिर इसको बोल्ट और टाइट करेंगे, जिससे पुली हमारा बैग आ जाएगा और ये आराम से बाहर आ जाएगा। इसमें आपको ओरिजिनली बोल्ट डालने पड़ेंगे, अगर लोकल बोल्ट डालते हो कच्चे बोल्ट तो वो टूट जाएगा, जिससे आपको फिर खोलने में दिक्कत हो सकती है। इसको दोनों को बराबरी खोले, और देखिए ये आराम से इजीली पुली अपनी निकल चुकी है। उसके बाद ये निकलने के बाद ये कंडीशन देख सकते हैं कितना ख़त्म हो चुका है पुली। इसमें हम नई पुली डालेंगे, ये आगे का देख सकते हैं, नए और पुराने में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये दांतों में आप देख सकते हैं फ़र्क। दोस्तों देख सकते हैं, अपने पुली खुल चुका है फ्रंट का, पीछे का भी खुलने जा रहे हैं, 6 नंबर की एलंकी से। तो नॉर्मल एलंकी और हैंडल एलंकी 6 नंबर का, उससे भी खुल सकते हैं। अब ये इस पुली का डिफरेंस देख सकते हैं, इसकी तीत कितना घिस चुका है, और नई वाली का देख सकते हैं कितना मोटा है। तो ये फ़र्क होता है घिसी हुई पुली में और नई पुली में, जिससे आपका बेल्ट टूट जाता है नई पुरानी पुली से, जो घिसा पुली रहता है नई वाली से, इसका फिर और अच्छा चलता है। जैसे अभी जो हमारे कुछ कस्टमर आए, वो अपना पुराना बेल्ट उनका देखो सही है बिल्कुल ही, तो हम इसी का यूज़ करेंगे और नई पुली के साथ, क्योंकि उन्होंने हाल ही फिलहाल ही में नया बेल्ट डलवाया था, उस टाइम पुली अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने उनको बात कर दिया था। तो पुली का चारों बोल्ट खुल चुका, पिछले वाले का थोड़ा स्पोर्ट लगाता ही ये आपकी पैक पुली आ गई, जो इसका भी देखो बिल्कुल ही, जूम करता हूँ आपको, ये बिल्कुल ही घिस चुका है ये पैक पुली। उसमें हम आपको ये दिखाते हैं नई पुली में, जो हमने फ्रंट में दिखाया था आपको, कितना आपका ये मोटा है। तो ये फ़र्क है आपका नई पुली और पुरानी पुली में, जो घिस जाता है। तो एक एक करके हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही प्रॉपर है, क्योंकि ओरिजिनल माल है तो प्रॉपर ही होने वाला है, उसकी बात है। तो एक एक करके इसमें सारे बोल्ट लगाने स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पीछे का लग चुका है पूरा सेट पुली का, अब आगे का हम दिखाते हैं प्रोसेस क्या है। आगे में जो ये कार्टर रहता है, इसको चाबी भी कहते हैं कुछ मैकेनिक, तो चाबी को आप कुछ ना छेड़ा कर निकल भी जाए तो ऐसे इजीली निकल जाएगा, वैसे उसके अंदर डाल देंगे तो नॉर्मली लॉक हो जाएगा। जो इसका जो आप खांचा देख सकते हैं कट, वो इससे मैच करके इसके अंदर पुश कर देंगे, बोल्ट टाइट कर देंगे 10 नंबर का बोल्ट लगा के, तो ये आपका हो जाएगा सेट। तो जैसे अभी ये गिर गया, फिर से हम इसको लगाएंगे, इसको थोड़ा मोटर को टोक पर ले लेंगे, टॉप पे लेने के बाद ये बिल्कुल सेट कर लेना, फिर जो देख सकते हैं ये कट, भाई क्या करना है, ये कट, इसको कट को इसके बराबर लेना सेंटर में, ये देखिए ये हो गया लॉक बिल्कुल ही। इसको फिर हम ये 24 नंबर का बोल्ट लगा देंगे, इसको तो चाहे आप जैसे पुली को खोला है वैसे इसको कट टाइट भी कर सकते हैं,
10 नंबर का बोल्ट लगा के, नहीं वैसा नहीं करना। तो नॉर्मली इसको यहाँ पे पकड़िए, एक बंदा थोड़ा हाथ लगा के यहाँ पर रोक लेगा, इससे हम कोटी को टाइट कर देंगे थोड़ा झटका मार के। तो नए में डालने के लिए पुराने में से बोल्ट निकालने वापस रिवर्स करके, ये देख सकते हैं। अगर आपको इसमें अच्छी क्वालिटी का ही बोल्ट डालना पड़ा, अगर लोकल क्वालिटी का हम बोल्ट डालेंगे इसको खोलने के टाइम, तो ये इसके अंदर टूट जाएगा, तो बहुत ही दिक्कत होती है इसको निकालने में। फिर उसमें आपको इस पर मोटरों पर चोट मारनी पड़ती है, इसको कटिंग करके निकालना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए आप बहुत अच्छी क्वालिटी का 10 नंबर का बोल्ट ले सकते हैं। यहाँ पे इसको टाइट करके आप इसको वापस प्रेस करा के खोल सकते हैं। अभी इस टाइट करने के लिए हम इसमें बोल्ट लगाएंगे, फिर से इसको लॉक करेंगे, फिर उसका इसको हम टाइट करेंगे। तो दोस्तों फिटिंग हो चुकी है टायर की, अब मैं इसको लगाने का प्रोसेस बताता हूँ, बहुत ही आसान प्रोसेस। कई मैकेनिक होते हैं इस एडजस्टर को पूरा लगा के ही बेल्ट चलाते तो बहुत टाइट चलता है। तो अब इस केस में आपका ऐसा है कि इस एडजस्टर को आप ऐसे बाहर कर लीजिए, उधर से बोल्ट पूरा ढीला करके, फिर टायर आपका आराम से आगे हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आगे हो गया, बेल्ट यहाँ पर लगाइए, उसके बाद पीछे उस पुली पर चढ़ाइए और टायर को घुमा दीजिए। ये नॉर्मली आपका चढ़ जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए अभी टायर घुमाएंगे हम, तो टायर घूमते ही देखो इजीली, ना ज़्यादा टेंशन इसमें हुआ, देखो कितना लूज है अभी भी। तो बिल्कुल देखो आराम से टायर पे पुली पे अपना ये बेल्ट चढ़ चुका है। पुली पे बेल्ट चढ़ने के बाद हम फिर से टायर को थोड़ा पीछे खींचेंगे, उसके बाद ही हम इसको एडजस्टर को ऐसे थोड़ा पीछे करेंगे और ये देखिए, अगर हाथ से नहीं होता तो थोड़ा पेचकस लगा लीजिए, स्क्रू ड्राइवर लगा लीजिए और आराम से आ जाएगा इसका पीछे अंदर। देखिए आराम से ही इसमें आ जाएगा, हल्का सा पीछे लगाने का हाथ से ही आप स्क्रू ड्राइवर डाल लीजिए। ये देखिए जो पहले जो टेंशन थी बेल्ट में उसी पे होने वाली है, बेल्ट घूमते ऑटोमेटिकली बेल्ट अपने जगह पर आ जाएगी। अब इसको पहले हम फुल टाइट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको दिखाते हैं आपको ड्राइव करके। तो दोस्तों देख सकते हैं अपने पूरा टायर टाइट हो चुका है। अब हम गाड़ी को ऑन करेंगे, ऐसे ही आपको चला के दिखाएंगे और देखना बेल्ट ऑटोमेटिकली अपने जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अपना आप कर रहा है, आप रेस देंगे भैया, उसके बाद हम आपको इसको आगे देखिए। ये देखिए अपने आप ही अपनी जगह पर सेट हो चुका है बेल्ट, आगे भी और पीछे भी। तो इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप हम बॉडी पूरा पैक कर देंगे। तो दोस्तों गाड़ी पूरी हो गई है पैक, राउंड करके हमने कर लिया है टेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट ही काम कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं।